कहाँ तक हो गया था बच्चों लास्ट क्लास में, कुछ याद है किसी को? सर वो नेचर ऑफ वर्क डन। यस अच्छा वर्क डन बता रहे थे राइट। अच्छा एक क्वेश्चन दिया होगा ना। यस सर। अच्छा बाकी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन था शायद राइट ये वाला। यहाँ पर ब्लॉक रखा है, ये शायद किससे जा रहा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइव है? और ये मीटर पर सेकेंड तो क्या पता करना था, फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है राइट। फ्रिक्शन स्क्वायर। का ऑप्शन दे रखा था। सर ये तो 0.3। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पता करना था ना, कितने सेकंड तक टाइम दे रखा होगा। फर्स्ट 5 सेकंड था ऐसा कुछ। अच्छा सर नहीं दिया सर, नहीं था। अरे यार दिया होगा जरूर, क्या था अरे दिया होगा सर, यार। नहीं दिया था आपने। यार पूछना चाहिए था तो, किसी का आया भी नहीं होगा नहीं सर। फिर। आपको सोचना चाहिए था कि भाई डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसी कोई टाइम में होगा ना। मान लो टाइम 5 सेकंड है बच्चों, ठीक है, चलो हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। देखो पहली बात तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन पूछा गया है। मैंने बताया था ये वास्तव में क्वेश्चन किस लिए दिया था मैंने, कि आपको ये बताना कि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। बताया था ना मैंने कि डिफरेंट फ्रेम से वर्क डन आपका क्या आता है, डिफरेंट आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट होगा। अरे वो कि नहीं होगा बच्चों, अरे बोल दो होगा। यस अब ध्यान देना इसकी फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस फ्रेम से देख रहे हैं हम, पर्सन की फ्रेम से देख रहे हैं। तो पर्सन की फ्रेम से बताओ, इस पर सूडो फोर्स लग नहीं लगेगा? अरे लगेगा ना। यस सर। हाँ मान लो मास एम है तो एम ए इधर लगेगा, अरे लगेगा। सर और एक्सलेशन कितना होगा, कौन सा लेंगे एक्सलेशन, 2 लेंगे 5 लेंगे? सर फाइव। हाँ क्योंकि भाई फ्रेम का एक्सलेशन क्या है, 5 5 एम इधर हो गया। अरे भाई फ्रेम किसका है, ये है ना फ्रेम, तो एक्सलेशन यस कितना लेते हैं, फ्रेम का लेते हैं ना 5 मिनट, 5 एम फोर्स इधर आ गया। अब सोचो फ्रिक्शन बच्चे को, अब फोर्स इधर आ गया, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इधर मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहेगा बच्चों, यस तो सर फ्रिक्शन किधर लेगा आगे। राइट। अब देखते हैं क्या 5 एम के बराबर आपका फ्रिक्शन बैलेंस कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। तो एफ की बच्चों मैक्स वैल्यू क्या होगी बताओ, म्यू एन होगी नहीं होगी? अरे म्यू एन होगी। एन क्या होगा आपका, एम जी, अरे हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, एम जी तो यस आएगा। म्यू क्या है, 0.3 × m × g, 10 ले लो जी, कितना आ जाएगा ये, 3 m। अरे कितना आ गया बच्चों, 3 m 3 m। और वैल्यू कितनी चाहिए रोकने के लिए आपको, अरे कितनी चाहिए, इधर तो 5 m लग रहा है ना, अब उन्होंने वैल्यू कितनी चाहिए रोकने के लिए, 5 m। तो बच्चे फाइव। आपका स्लिप करा नहीं कर रहा बता दो, अरे स्लिप कर रहा है ना, अरे यस या नो, स्लिप करा नहीं कर रहा बच्चों। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन, 3 m। अरे स्लिप हो रहा है ना बच्चों, ठीक यस सर। है। तो बताओ इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन तो नेट ही होता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाई मास, यही होगा ठीक है। एफ नेट कितना है इस पर, अरे बोलो, तो दिख रहा है साफ साफ कितना है एफ नेट, 2 m 5 m − 3 m/m कितना बच्चों, 2 m/m कितना आ जाएगा, 2 m/s². तो इसका एक्सलेशन बच्चों इधर आ रहा है 2 m/s², तो फर्स्ट 5 सेकंड मतलब, फर्स्ट 5 सेकंड मतलब शुरुआत किया है मोशन अभी, फर्स्ट 5 सेकंड का मतलब क्या हुआ, यू 0 है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ना।
डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये लगा सकते नहीं लगा सकते इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर। u 0 है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है 2 इंटू टी स्क्वायर, बच्चों क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 25। क्या पूछा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सोचो, इधर हो रहा है नहीं हो रहा 25 मीटर? यस सर। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? राइट राइट लग रहा है। कितना लग रहा है? 2m। मास 1 kg ले लो यहाँ पर। मास दे रखा था नहीं दे रखा था? सर 2 kg दिया था। हाँ मास 2 kg, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। 25 ये 2m है ना, मतलब 2 into 2 यही तो है, कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा फ्रिक्शन? तो बताओ वर्क डन बच्चों क्या होता है कांस्टेंट फोर्स के कारण? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, थीटा क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच? अरे फोर्स राइट, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, ये एंगल कितना? 180 है। अरे भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, जाहिर सी बात है वर्क डन बच्चों नेगेटिव आएगा। फोर्स कितना है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, cos 180 कितना हो जाएगा ये 900 न्यूटन। अच्छा ग्राउंड फ्रेम हम देखते थे कितना आता बच्चों, ये बात बताओ, अभी इसको लिखना है चेंज करो, इसके पहले वाला लिख लिए थे? यस सर वो लिख लिया था। नहीं लिखा। अरे एक बार कर दो इसके लिख लो। लिख लिया u 0 क्यों लिया था? हाँ तो आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ली थी? मैंने बोला था ना फर्स्ट 5 सेकंड। ठीक है सर। क्या लिख लिया? यस सर। सभी ने लिख लिया? यस। ठीक है। वर्क डन इन ग्राउंड फ्रेम बताओ कितना होगा? वर्क डन इन ग्राउंड फ्रेम बाय फ्रिक्शन, दूसरा पार्ट लिखो, वर्क डन इन ग्राउंड फ्रेम। पहले बात तो ग्राउंड फ्रेम में कितना फ्रिक्शन लगेगा? क्या 3m लगेगा? ग्राउंड फ्रेम में कितना फ्रिक्शन लगेगा बच्चों? काइनेटिक लगना चाहिए। हाँ ग्राउंड फ्रेम में कितना फ्रिक्शन लगेगा ये बता दो, बाकी तो आराम से डिस्प्लेसमेंट तो आराम से आ जाएगा ना, S is equal to UT plus half IT square। कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ भूल गए सब कुछ? कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रिक्शन की वैल्यू? पहले ये देखोगे भाई कि स्लिपिंग पॉसिबल है कि नहीं है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। मान लो फ्रिक्शन बच्चों ठीक है F, इसका एक्सेलरेशन कितना है मास m, मान लो एक्सेलरेशन कितना है इसका, टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक नहीं? यस यस। तो सोचो F कितना होगा,
एम ए? अरे होगा नहीं होगा यस सर। क्या 2m होगा, तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड हुआ सोचो 2m। अरे हुआ ना रिक्वायर्ड यस सर। और एफ मैक्स कितना है अभी तो निकाला था ना 3m। हाँ म्यू एन कितना आया था ये 3m आया था नहीं आया था, कितना लगेगा क्या पूरा लगेगा एफ मैक्स? नहीं सर। कितना लगेगा? 2m। 2m लगेगा। तो अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है बच्चों? 2m। 2m लग रहा है। ये आ गया इससे पहले फ्रिक्शन कितना लग रहा है 2m। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एफ कितना होगा बच्चों? 2m होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s is equal to ut plus half et square। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यू जीरो है, हाफ ए कितना हुआ बच्चों? ए कितना है? टू। हाँ अरे भाई साथ साथ चल रहे हैं ना बच्चों, पहली बात तो डायरेक्ट है 2m लग रहा है और एक्सप्रेशन कितना होगा 2m by m। या भाई स्लिपिंग नहीं हो रही ना, बगी के साथ ही चल रहा है ना वो। यस सर। ठीक है तो कितना हो गई हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है बच्चों? 5। कितना होगा? 25। अब देखो फ्रिक्शन बच्चों 2m है ना, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन आगे लग रहा है बच्चों, अरे लग रहा नहीं लग रहा। और अभी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट हो रहा है, सॉरी राइट, राइट हो रहा है 25 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? fs cos थीटा, f कितना है 4 और s कितना है 25 cos 0। अरे सेम डायरेक्शन में ना? यस। कितना गया 100। तो देखो साइन भी बच्चों रिवर्स हो गया आपका, मतलब मैग्नीट्यूड ठीक है ना, जो साइन है बच्चों आपका वही रिवर्स हो गया। तो डिफरेंट फ्रेम में वर्क डन डिफरेंट आया नहीं आया आपका? अरे आया ना। यस सर। ठीक है तो ये फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन को ढंग से पढ़ो भाई, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने आराम आराम से बताया था। फ्रिक्शन के क्वेश्चन करो, और आज होमवर्क ना के बराबर रहेगा या बहुत कम रहेगा, शायद एक दो क्वेश्चन ही दूंगा जिनका पहले का बाकी है। भनित क्या नाम है वो आया है, आयन, आप ठीक है ना, जिनका होमवर्क बाकी है वो लोग होमवर्क करके ले आएंगे। अथर्व यस सर। ठीक है ओके बच्चों हो गया, अरे आ गया समझ में? यस सर। और तो कोई होमवर्क नहीं दिया था? नहीं सर। ठीक है ओके। हेडिंग डालो बच्चों स्प्रिंग फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, काफी अच्छा होमवर्क दिया था क्या सर? आपने होमवर्क दिया था साइज 2 में से? हाँ अंत में करेंगे, मैंने बाद में दिया था ना उसको, तो क्लासरूम में दिया था उसको मैंने कर लिया स्प्रिंग फोर्स। ठीक है देखो बच्चों स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो तो बच्चों स्प्रिंग एक फोर्स लगाती नहीं लगाती? अरे लगाती है ना। यस सर। उसी को स्प्रिंग फोर्स कहते हो। और सोचो जितना ज्यादा बच्चों स्प्रिंग को कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगता है, क्या मेरी बात से सहमत हो आप? यस सर। ठीक है तो क्या हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के? एक्स क्या है? ये है बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ मतलब कितना बच्चों एक्सटेंशन या कंप्रेशन हुआ है नेचुरल लेंथ से? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जब आपका ठीक है ना नेचुरल लेंथ में थी, डिस्प्लेसमेंट मतलब या तो कंप्रेशन होगा या तो एक्सटेंशन होगा। वही कह रहा है कि बच्चों स्प्रिंग फोर्स जो है आपका एफएस कह दो एस फॉर स्प्रिंग, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है ना। अरे बोल दो। यस। इसमें एक चीज की कमी भी है बच्चों, एक चीज की कमी क्या है देखो, मान लो बच्चों स्प्रिंग है आपकी नेचुरल लेंथ में, ये आपकी नेचुरल लेंथ। अभी मान लो स्प्रिंग को ठीक है ना कंप्रेस कर दिया,
तो मैंने किधर डिस्प्लेस किया होगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट लेफ्ट, मान लो एक्स डिस्प्लेस किया। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स उधर लगाएगी, राइट राइट, वेरी गुड। एफ एस किधर लगा? राइट, लगा नहीं लगा। अगर मैंने सोचो इसी को मैंने एक्सटेंड किया होता बच्चों, नेचुरल लेंथ से मान लो एक्सटेंड किया होता एक्स, ठीक है, राइट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी स्प्रिंग किधर फोर्स लगाती बच्चों? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो सोचो स्प्रिंग फोर्स जो हुआ वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो यहाँ पर मैं माइनस लगा सकता, नहीं लगा सकता। माइनस क्या बता रहा है? स्प्रिंग फोर्स आपका इधर डिस्प्लेसमेंट भरा उसके अपोजिट लग रहा है। अरे आई गई बात समझ में? यस सर। इसीलिए कहते, देखो इसी को कहते थे तुम, किधर लगता है बच्चों? अपनी नेचुरल लेंथ की ओर लगता है। इसकी नेचुरल लेंथ किधर है? लेफ्ट की ओर नहीं है, बताओ किधर लग रहा है? लेफ्ट की ओर लग रहा है। इसकी नेचुरल लेंथ किधर है बताओ? राइट राइट की ओर, किधर लग रहा है? राइट की ओर लग रहा है। इसी को तो मैंने आपको बताया था ना एफबीडी बनाते समय। यस, ठीक है ना। इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हो। क्या कहते हो? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब क्या हुआ? रीस्टोर करने का मतलब क्या हुआ? दोबारा अपनी फॉर्म में आना। हाँ, फिर से अपनी फॉर्म में स्टोर कर। तो देखो स्प्रिंग फोर्स क्या हुआ बच्चों आपका? एक रीस्टोरिंग फोर्स का एग्जांपल है ये। फिर से स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में लाने का प्रयास करता है, फिर से उसकी नेचुरल लेंथ में रीस्टोर करने का प्रयास करता है। क्या इस ये रीस्टोरिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आई बात समझ में? अरे ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हो? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हो। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो बच्चों, तो एक आपका कांस्टेंट आता है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हो। ये क्या है बच्चों आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ध्यान देना, ये बच्चों स्प्रिंग की स्टिफनेस की मेजर बताता है। मान लो तुम्हारे पास दो स्प्रिंग है, पेन में देखा है बच्चों स्प्रिंग होती है? यस सर। हाँ, वो साइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग होती है। अरे होती कि नहीं होती? यस सर। कौन सी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा? साइकिल का। जितना स्टिफ होगा बच्चों ना स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। क्यों? अरे स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा होगा? मान लो तुमने थोड़ा सा दबाया, एक सेंटीमीटर दबाया, तो बताओ कौन सा ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगा, साइकिल वाला स्प्रिंग की आपका पेन वाला स्प्रिंग? साइकिल। साइकिल वाला स्प्रिंग जाहिर सी बात है प्रोवाइड करेगा। तो जितना स्टिफ होगा ना बच्चों उतना ज्यादा क्या करेगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। सो इसको ऐसा भी ले सकते हो, मेजर ऑफ स्टिफनेस, मेजर ऑफ स्टिफनेस। अभी कुछ लिखना नहीं, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? ये डायग्राम बनाने, तीनों नेचुरल लेंथ वाला, फिर ये कंप्रेशन वाला, फिर ये एक्सटेंशन वाला, उसके बाद ये लिखना है तुमको। अरे आई बात समझ में? कैसे लिखना है? पहले ये तीनों डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद ये लिखना है। पहले से नहीं लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया क्या? नो सर। ठीक है, डन हो गया, बाकी का भी? यस सर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान देना इसको लिख लेना, मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। क्या लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। ठीक, एडिंग डालू, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखो बच्चों,
अच्छा स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स? अच्छा मान लो 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है तो मान लो सर्टेन स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, 2 सेंटीमीटर कंप्रेस करोगे तो क्या सेम फोर्स लेगा? नहीं सर, नहीं लेगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है ना, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स है कांस्टेंट? वेरिएबल तो डायरेक्ट तो बच्चों यूज नहीं कर सकते हैं fs cos थीटा, क्या यूज करना पड़ेगा हमको? डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है मान लो बच्चों अभी तुमने नेचुरल लेंथ से x डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया है? x डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ आपका? x। अरे ठीक है तो सोचो जो dw होगा बच्चों वो क्या होगा आपका? f अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट बच्चों अभी आपका x है, अभी तुमने क्या किया dx फर्दर डिस्प्लेस किया, क्या किया dx फर्दर डिस्प्लेस किया। अच्छा नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट x है बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? अरे कितना लग रहा होगा बच्चों? Minus kx. हाँ ऐसा समझ लो kx लग रहा होगा या माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है उसका। ठीक है और बताओ अब देखो बच्चों स्प्रिंग फोर्स तो इधर लगा नहीं लगा? अरे लगा ना। यस सर। और तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर कराया? अपोजिट। अपोजिट कराया नहीं कराया तो क्या लिखोगे आप? एंगल कितना होगा बच्चों दोनों के बीच? 180 होगा ना। अरे अपोजिटिक नहीं है बच्चों तो ये होगा, ये क्या आएगा माइनस के एक्स डी एक्स। अरे आएगा नहीं आएगा? अरे भाई अब देखो मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस तो पहले से ही बता रहा था ना भाई, मैंने तो यहाँ पर मैंने तो ये कहा ना कि माइनस क्या बताता है बच्चों किधर डायरेक्शन है, ये तो बताया ना बच्चों माइनस। यस सर। मैंने इधर ही माना है ना नेचुरल लेंथ की ओर, इधर ही तो लग रहा है स्प्रिंग फोर्स fs और आपका डिस्प्लेसमेंट dx इधर हो रहा है, तुम एक और माइनस लेते तो पॉजिटिव आया तो नहीं आया था? पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव वर्कडन हो रहा है क्या यहाँ पर? नो सर नहीं हो रहा है। ठीक है अरे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? अरे बोलो। ठीक है ओके अब बताओ मान लो बच्चों मुझे x इनिशियल से x फाइनल तक क्या करना है, इसको वर्डन कितना हो रहा है वो निकालना है, तो इंटीग्रेट करना होगा नहीं करना होगा दोनों साइड? अरे करना होगा ना। yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा w? क्या k कांस्टेंट है बच्चों बाहर निकाल सकते हैं? yes, sir. Yes, sir. x का इंटीग्रल क्या होगा? x square by 2 x इनिशियल से x फाइनल तो क्या आ जाएगा बच्चों इधर ले आओ वर्डन क्या होगा माइनस के बाई टू एक्स फाइनल बच्चों रखोगे ना एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे फॉर्म में लिखो बच्चों ज्यादा आसान। ठीक है ना मैं इसका यूज बताऊंगा अभी, ऐसे लिख दो आप के बाई टू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर भी लिख सकते हो बट ठीक है इसका यूज है एक मैं बताऊंगा अभी आगे, इसको ऐसे ही लिखो अभी। अरे माइनस को अंदर ले जाओगे तो एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसका यूज भी है बताऊंगा अभी आगे, इसको नोट कर लो बच्चों। क्या लिख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। ठीक है यस सर। अच्छा बताओ इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन आया है इसमें बच्चों सिर्फ फाइनल आपका आया है कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये आया इनिशियल कंप्रेशन एक्सपेंशन,
क्या हमको ये इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है क्या कि किस रास्ते से गया है, किस पाथ से होकर आया है? क्या हमको ये इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है वर्णन निकालने के लिए कि यहाँ पर तो सिर्फ एक्स फाइनल, अगर एक्स इनिशियल पता हो हम आराम से निकाल सकते हैं वर्णन, स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो पता ही होता है, राइट? तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, आपका पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये वर्णन। अरे समझ पा रहे हो ना, इसका यूज करूंगा मैं इस इंफॉर्मेशन का। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, ओके। देखो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब वर्क एनर्जी पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान देना मैकेनिक्स का यूज आएगा अभी आगे, मैकेनिक्स का यूज होगा, जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे उसका यूज होगा। इसीलिए मैं कह रहा था अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पता है तो आगे चैप्टर्स भी नहीं आएंगे आप। मान लो बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर आपका एक स्प्रिंग है, ऐसा है बच्चों, स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है एम मास का, ये सरफेस क्या है आपका? फ्रिक्शनलेस है। क्या है? फ्रिक्शनलेस। ऐसे डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, पहले पार्ट लिखो क्वेश्चन का। क्या बना लिया डायग्राम? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात यहां पर सुनो, यहां पर बच्चों मैंने आपको कंप्रेशन का एग्जांपल दिया। अगर मान लो नेचुरल लेंथ से मैं एक्स एक्सपेंड करता, अगर मैं मान लो फर्दर डीएक्स जाता, तो बच्चों वर्क डन इसमें क्या पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता? कुछ भी है वो लिख दो। अरे ठीक है, Yes, sir. अरे बात क्लियर हुई, अगर स्पेस है तो इसमें लिख दो, ठीक है ना? तो मुझे तो क्लियर है बात ये, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी तो लिख लो। मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन है कंप्रेशन है, कि सर ये सर ने तो प्रूफ एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए कराया था तो कंप्रेशन ही होना चाहिए। नहीं, कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो इससे कोई असर नहीं पड़ता है। अरे आगे बात समझ में? ये है क्या बच्चों आपका मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था। क्या लिखा था? ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों को इंक्लूड करता है बच्चों। क्या करता है? एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों को इंक्लूड करता है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना, ठीक है? अरे बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखो, पहला पार्ट क्या है लिखो, ब्लॉक इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, नाउ ए वेरिएबल फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक to move spring to its natural length। क्या लिख लिया? Yes, sir. Now a variable force starts acting to move spring to its natural length. Find work done by spring force. मतलब फाइनली कहां चली जाती है बच्चों? नेचुरल लेंथ में चली जाती है, ठीक है?
पॉइंट वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अच्छा सोचो, ठीक है लिख लिया, लिख लो बता, पॉइंट वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स लिख लिया? यस यस सर। शुरुआत में सोचो ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है, अरे है कि नहीं है बच्चों इक्विलिब्रियम में, तो क्या आपकी नेचुरल लेंथ में रहेगी कि नहीं रहेगी शुरुआत में? यस सर। शुरुआत में नेचुरल लेंथ में रहेगी सर। शुरुआत में नेचुरल लेंथ रहेगी तो भाई रियल फोर्स का काम ही क्यों हुआ? शुरुआत में बताओ कैसी रहेगी, कंप्रेस रहेगी, एक्सपेंडेड रहेगी, नेचुरल लेंथ में रहेगी, कैसे रहेगी? कंप्रेस्ड सर। कंप्रेस्ड। हाँ कंप्रेस्ड क्यों रहेगी सर? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रहा होगा। हाँ अगर सोचो फ्रिक्शनलेस है ना बच्चों, तो इधर mg sin थीटा लग रहा है, नहीं लग रहा? यस सर। स्प्रिंग ना होती तो नीचे चला जाता, नहीं चला जाता? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बच्चों? अरे kx लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा ऊपर? यस सर। जो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा ना mg sin थीटा को, तभी तो इक्विलिब्रियम में है ना? यस सर। अरे तो शुरुआत में क्या रही होगी बच्चों, ये कंप्रेस रही होगी। x क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ना? अरे बोल दो। यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ शुरुआत में kx इनिशियल इक्वल टू, क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, किसके बराबर है ये? mg sin थीटा। sin थीटा के बराबर है। तो x इनिशियल क्या आ गया, एक्स फाइनली कितना आ गया, फाइनली किसमें चली गई बच्चों? अरे भाई आप क्या कर रहे हो, तुम फोर्स एक लगा रहे हो बच्चों यार, जिससे क्या हो ये धीरे धीरे ऊपर चली गई, नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, आ जाएगी। वेरिएबल फोर्स क्यों लगा रहे हो बताओ? अरे भाई खुद सोचो, जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल नहीं है, अगर इसको धीरे धीरे ले जाना है तो वेरिएबल फोर्स ही लगाना होगा ना सर? एस माइनस के एक्स, क्या कह रहे हो, एक्स फाइनल कितना होगा? अरे फाइनली बच्चों नेचुरल लेंथ में आ गई, नहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना होगा? जीरो। जीरो, एक्स फाइनल जीरो है ना भाई, फाइनली क्या कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है क्या? फॉर्मूला क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस, तो बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स फाइनल तो जीरो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा, अरे बोल दो। यस सर। और एक्स इनिशियल क्या है बच्चों बताओ? mg sin थीटा बाय k। mg sin थीटा बाय k, तो क्या होगा, आपके mg sin थीटा बाय k का होल स्क्वायर, अरे हो जाएगा, तो क्या yes. m स्क्वायर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2k। देखो बच्चों वर्क डन, अब यहां से माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, क्या वर्क डन हमेशा नेगेटिव आया क्या स्प्रिंग फोर्स का? नहीं, जरूरी नहीं है। अरे नहीं हुआ ना, अब खुद सोच के देखो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा था बच्चों, ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर। और हम ले किधर जा रहे थे क्लॉक को? ऊपर। ऊपर ले जा रहे थे भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है बच्चों। Yes. वर्क डन क्या आएगा आपका? Positive. ठीक है, अरे आ गई बात समझ में, किसी बंधु को दिक्कत है? देखो बच्चों हमको इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस बात को समझने कि आपका वेरिएबल फोर्स कैसे ले जा रहा है, कैसे भी ले जाए उससे हमको मतलब है ही नहीं, मुझे सिर्फ क्या पता करना है एक्स इनिशियल क्या है, एक्स फाइनल क्या है, बस। ठीक है,
क्या लिख लिया? यस सर। ठीक है, दूसरा पार्ट लिखो। नाउ वेरिएबल फोर्स इज रिमूव्ड, नाउ वेरिएबल फोर्स इज रिमूव्ड, सो स्प्रिंग अगेन so spring sir sir pehle so spring again reaches its initial situation or initial position, so spring reaches its initial position again, theek hai bhai, variable force hata loge bachcho, spring force bhi nahi hai na, natural length mein aa gayi to, yes sir। सोचो जब आपका वेरिएबल फोर्स हटा लिया, नेचुरल लेंथ में आगे स्प्रिंग फोर्स ही नहीं है, तो अभी एमजी साइन थीटा एक नहीं है, फिर यही लगा yes. यही क्या करेगा, नीचे ले जाएगा बच्चों स्प्रिंग को, तो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में चली गई। तो अब बताओ अभी वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, बताओ बच्चों डायरेक्ट बताओ, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, एम जी साइन थीटा अपॉन कितना आएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन के, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो भाई, एम जी साइन थीटा अपॉन के वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन एमजी साइन थीटा बाय के आएगा, एमजी साइन थीटा बाय के तो डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन ही आएगा। अरे बच्चों एक्स इनिशियल क्या होगी बताओ अभी, और एक्स फाइनल क्या होगी, एमजी साइन थीटा अपॉन के, जस्ट उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्क डन, माइनस एम जी स्क्वायर, अरे स्क्वायर साइन आ जाएगा भाई, इतना काहे मेहनत कर रहे हो, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल उल्टे हो गए ना जैसे, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा साइन, अरे उल्टा आ जाएगा नहीं, अब सोचो इसमें वर्क स्प्रिंग नेगेटिव वर्क डन क्यों कर रही है, इस बात को फील करो आप, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही होगी अभी सर, ऊपर ऊपर, और जा किधर रहा है, नीचे नीचे, इसीलिए वर्क डन क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। देखो मैं ये कह रहा हूँ इसको फील लाने की जरूरत क्या है, अगर मान लो भाई जब आप रट्टू तोता बन के जाते हो ना, तो पहली बात इतना बड़ा कोर्स आप समझ ही नहीं सकते आप उसको, मान लो तुमको ये पता भाई इसमें कंफ्यूजन है सर, यहाँ पर माइनस था कि प्लस था, यहाँ पर एक्स इनिशियल पहले था एक्स फाइनल पहले था, अरे कुछ भी आ जाए, मान लो तुम्हारा साइन गलत भी हो जाए, तुम ये सोच सकते हो ना इसमें वर्क डन आपका नेगेटिव नहीं हो सकता या इसमें वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो सकता, अरे यार ये बात समझ में, yes. अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, जो फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये मेरी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है आ गई बात समझ में, क्या स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो ना, अरे कुछ नहीं है एक्स इनिशियल एक्स फाइनल पता कर लो आ जाएगा, अरे भाई बोल दो, यस सर। ठीक है एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में लिखो सर, बी पार्ट नहीं आया समझ, क्या सर बी पार्ट समझ नहीं आया, आवाज नहीं आ रही थी अच्छे से, बी पार्ट में क्या था बताओ, फाइनल पोजिशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या होगी रिश्ता, क्वेश्चन पढ़ा तुमने, अरे बोलो तो फाइनल पोजीशन क्या है स्प्रिंग की, सर बता दो, हाँ क्या है
बताओ वानिका, तुम बताओ क्या है फाइनल पोजीशन? सर mg sin थीटा बाय k। अरे फाइनल पोजीशन बताओ, सिचुएशन क्या है स्प्रिंग? फाइनल स्प्रिंग सेकंड पार्ट में किस पोजीशन में जा रही है? नेचुरल लेंथ। फाइनल नीचे जा रही है सेकंड पार्ट में, इनिशियल पोजीशन पे जा रही है। शुरुआत में कंप्रेसिंग नहीं थी, यहां से छोड़ रही हो ना देवी जी, यहां पर है, ठीक है ना? पहला पार्ट खत्म हुआ, यहां पर नेचुरल लेंथ में थी कि नहीं थी? यस। तो एक्स इनिशियल क्या हो गया? जीरो। फाइनली कहां जा रही है? बैक टू इट्स इनिशियल सिचुएशन। इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस थी ना भाई, अभी वो फाइनल सिचुएशन हो जाएगी। बस अभी आया थोड़ा थोड़ा। हाँ आ गया सर। आ गया, जोर तो नहीं बोल रही? बताओ फिर कैसे आया, बताओ इनिशियल सिचुएशन क्या थी? रिशिता सर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी। हाँ, कैसे नेचुरल लेंथ में आई थी? सर वो फोर्स एक लगी थी उस पे। हाँ सर, जो फोर्स अप्लाई करी थी उससे। हाँ, जो वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहा था उसकी वैसे नेचुरल लेंथ में आ गई थी। तो इनिशियली क्या आ गई थी आपकी? नेचुरल लेंथ में आ गई थी। तो एक्स इनिशियल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन आपका नेचुरल लेंथ क्या हो गया? जीरो। अरे हुआ कि नहीं हुआ? फाइनली जब छोड़ दिया तुमने तो कहां पर हो गई? बोलता हूं कंप्रेस्ड वाली जगह, कंप्रेस्ड स्टेट में। अब की इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया ब्लॉक आपका। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्या होगा? kx क्या होगा? mg sin थीटा के बराबर होगा, नहीं होगा? यस सर। तो x फाइनल आ गया, इसमें वैल्यू रख दो। और क्या करना है? x इनिशियल 0 है तो क्या आ गया? ये माइनस हाफ की x फाइनल का स्क्वायर आ गया, वैल्यू रख दो। फोकस रहा करो। अरे हो गया बच्चों? अरे किसी और को डाउट है कुछ? no, देखो पहली बात तो क्लास का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास में आप फ्रेश माइंड से बैठा करो, ठीक है? क्लास के पहले ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, सोया नहीं है, आराम से सो कर, ठीक है ना? अच्छे मन से बैठा करो, क्लास का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के टाइम पे तुम कुछ मिस कर दोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखो, तीन केजी का बच्चों ब्लॉक है, ये सरफेस क्या स्मूथ है आपकी सुविधा के लिए। इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, क्या लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जो सो करके आएगा उसको 50 रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी। ध्यान देना, ईमानदारी से करना। बना लिया फिगर? यस सर। ठीक है, लिखो। देखो बच्चों, इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। सडनली ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। सडनली ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। Suddenly force of 10 newton लिखा है भाई ना, force of 10 newton starts acting on block. Find work done by spring force. Find work done by spring force when block starts
फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स स्टॉप्स सॉरी ब्लॉक स्टॉप्स फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स फॉर फर्स्ट टाइम क्या लिख लिया यस सर यस सर तो करके लाना है ठीक है बच्चों यस सर कोई कुछ कह रहा है हिडन डालो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख लिया यस ठीक है देखो बच्चे कंजर्वेटिव का मतलब क्या समझते हो कंजर्व से रिलेटेड है ना कंजर्व का मतलब क्या है हाँ मतलब संभाल जाना हाँ संभाल के रखना ऐसे ठीक है मतलब बचा के रखना खर्चा मत करना राइट ये सब वर्क नहीं हो अरे भाई Yes. हाँ, अभी इसका बताएंगे रीजन क्या है ठीक है देखो कंजर्वेटिव फोर्स के बच्चों दो डेफिनेशन दी जाती है अब इसका जनरल लाइफ से रिलेटेड क्या है ये मैं बताऊंगा कंजर्वेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया इसकी दो डेफिनेशन दी जाती है बच्चों कुछ फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं कुछ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं अब कंजर्वेटिव फोर्स क्यों पड़ी जरूरत इनको नाम क्यों दिया गया है ठीक है अभी डेफिनेशन से आओ क्लियर हो जाएगा देखो देयर आर टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स देयर आर two definitions of conservative force pehla likho in case of conservative force in case of conservative force work done only depends on work done only depends on initial and final positions not on path taken work done only depends on initial and final position not on path taken ऐसा कोई फोर्स अभी अभी आपको बताया मैंने अरे अभी अभी एक फोर्स बताया स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स क्या सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा था ना बच्चों पाथ का डिपेंड नहीं कर रहा था ठीक है ओके एग्जांपल के लिए तो बच्चों ये डायग्राम बना लेना मान लो ये ए है ये क्या है आपका बी मान लो ए से बी बच्चों तीन रास्ते से जा रहे हैं वन टू थ्री तो अगर बताओ कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पर लग रहा है तो वर्क डन क्या तीनों पाथ में डिफरेंट होगा कि सेम होगा सेम होगा सेम होगा सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू अरे लिख लिया Yes, sir. दूसरा डेफिनेशन बच्चों जो अभी भी तुमने क्वेश्चन किया उसी से आया है अब तुम बताना दूसरा डेफिनेशन ये जो था स्प्रिंग वाला बच्चों देखो शुरुआत दोनों से पहली कंडीशन थी पहला केस था दूसरे केस था दोनों को कंबाइन कर रहे हैं बच्चों पहले केस में क्या था वेरिएबल फोर्स बच्चों इसको ऊपर ले जा रहा था अरे ले जा रहा था नहीं ले जा रहा था yes, sir. ठीक है तो बताओ स्प्रिंग फोर्स कैसा वर्क कर रही थी बच्चों पॉजिटिव की निगेटिव
पहले केस में पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर बच्चों आपका इधर आया लौट कर आया। अच्छा दोनों केस में बच्चों अगर दोनों कंबाइन करें एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया तो क्या क्लोज लूप बनी नहीं बन गई? यस। अच्छा दोनों में बच्चों अगर मैं नेटवर्क कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा दोनों को मिला दूं पूरे लूप में नेटवर्क डन कितना आएगा? जीरो। क्योंकि इसमें क्या आया था बच्चों एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आया था ना प्लस में। यस। और उसमें क्या आया था डाउन माइनस में आया था। तो ये बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन क्लोज लूप जीरो होगा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी डेफिनेशन यही कह रही है बच्चों लिखो वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो। या इसको ऐसा देखो अगर तुमसे ये पूछे सोचो एक मिनट एक और बात बता रहा हूँ अगर तुमसे ये पूछे बच्चों कि इसको यहां से यहां ले गए ठीक है और फिर इसको छोड़ दिया ले जाकर जिससे स्प्रिंग फिर से अपनी स्टेट में आ गई तो बच्चों कितना वर्क डन करेगी स्प्रिंग? जीरो। जीरो क्यों? अरे भाई x फाइनल भी क्या हो जाएगी mg sin थीटा बाई k x इनिशियल भी क्या हो जाएगी mg sin थीटा बाई k अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस यस। तो भाई किस रास्ते से जा रहा है क्या कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा बच्चों? नो सर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अरे नहीं पड़ा ना तो देखो जो पहली डेफिनेशन थी यही तो कह रही है इसी रास्ते से जाओ सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है पाथ पर डिपेंड कर रहा है सॉरी सिर्फ इनिशियल फाइल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर इनिशियल फाइल पोजीशन क्या बच्चों आपकी सेम है कि नहीं है तो वो आपका जीरो होगा। तो क्या दोनों बच्चों एक दूसरे के रिलेटेड है कि नहीं है? अरे है ना रिलेटेड दूसरे से। यस सर। ठीक है अगर आपको कनेक्शन बैठाना है अलग अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है तो इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे दूसरी डेफिनेशन वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है ना। अच्छा खुद सोच लो ऐसा भी समझ लो अरे भाई यहाँ से चल रहे हैं वहाँ वहीं फिर आ रहे हैं कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ओ सर। ठीक है लिखो दूसरा डेफिनेशन में वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। अरे आ गई बात समझ में? यस। ठीक है। अच्छा दोनों डेफिनेशन का रिलेशन समझ में आ गया बच्चों दोनों सेम ही बात कह रही है इससे इसको निकाल सकते हैं इससे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा एग्जांपल बता दो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का मुझे बताओ। अरे भाई बता दो बोलो तो पहला बताओ अभी तो बताया तुम लोगों ने कौन सा होगा बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल? स्प्रिंग फोर्स। हाँ स्प्रिंग फोर्स। एक और बच्चों एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये भी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसको समझ लो एक छोटे से एग्जांपल का रहा है। देखो मान लो बच्चों एक थीटा है ठीक है एंगल क्या है थीटा है ये क्या है एच ये क्या है आपका एल है। ठीक है बच्चों देखो एम जी एक ब्लॉक है उसका मास क्या है एम। ठीक है इसको मैं ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों और ये क्या है फाइनल पोजीशन है। ठीक है मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को दो रास्ते से बच्चों अचीव कर सकता हूँ। एक तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला जाऊं एक तो ऐसे जाऊं और एक तो ऐसे जाऊं। ठीक है समझ रहे ढंग से इसको? अगर पहले वाले पाथ से जा रहा हूं बच्चों तो बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन है बच्चों कितना फोर्स लग रहा होगा आपका एम जी साइन थीटा? अरे लग रहा नहीं लग रहा होगा। और परपेंडिकुलर किधर कितना लग रहा होगा mg cos theta। क्या mg cos theta कोई वर्क डन करेगा क्या? नो सर। नहीं क्यों? द डिस्प्लेस तो ऊपर होगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना बच्चों ये
अरे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो प्लेन के अलोंग हो रहा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या कोई वर्डन करेगा क्या? नो सर। नहीं, तो पहले पाथ के कारण वर्डन इन पाथ वन क्या होगा बच्चों? mg sin थीटा ही वर्डन करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? यस सर। mg sin थीटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। ऊपर कितना हो रहा है बच्चों? अरे L हो रहा है ना भाई? Yes, sir. और कितना बच्चों एंगल है? Force और displacement? 180. तो कितना आ गया? Minus mg L sin theta. अरे आ नहीं आ गया बच्चों? Yes, sir. L sin theta क्या है इस केस में बताओ? अरे ट्रायंगल में L sin theta क्या है बच्चों? H. H है कि नहीं? तो ये माइनस किया जाए कि नहीं है? अरे आया नहीं आया बच्चों? अरे बोल दो। यस ठीक है। दूसरे पास से देखो, क्या यहाँ से यहाँ जाने में बच्चों mg कोई वर्क करेगा क्या? यहाँ से यहाँ जाने में कोई mg वर्क करेगा क्या? अरे भाई mg किधर लगता है हमेशा? नीचे। डाउनवर्ड। नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सामने। हॉरिजॉन्टल। सामने क्या है? हॉरिजॉन्टल। हाँ, इनके बीच एंगल कितना है? 90. तो वर्क डन होगा क्या इस बार? नो सर। यहाँ नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पर जाओ, अभी बच्चों एमजी किधर लग रहा है? नीचे। नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ऊपर। कितना हो रहा है? 180. अरे डिस्प्लेसमेंट कितना? H H. तो वर्क डन कितना लिखोगे? एमजी डिस्प्लेसमेंट एच इंटू क्या लिखोगे? कॉस। कॉस 180. क्या दोनों पाथ से वर्क डन सेम आया कि नहीं आया? यस। तो क्या ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है? यस। अरे है ना बच्चों, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो गया आपका? कंजर्वेटिव। एक और होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स देखो, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा सिमिलर है। अरे भाई ग्रेविटेशन का फोर्स बच्चों दो मासेस के बीच में m1 m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, कितना लगता है? g m1 m2 / r2 लगता नहीं लगता बच्चों? यस। अगर दो चार्जेस हैं q1 q2 इनके बीच जो फोर्स लगता है ना k q1 q2 / r2 लगता है। क्या लगता है? k q1 q2 / r2। ध्यान देना m1 m2 जगह क्या आ गया? k q1 q2 आ गया। g की जगह क्या आ गया? दूसरा कांस्टेंट आ गया। r2 यहां भी था, r2 यहां भी है, तो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज होगा नहीं बच्चों, यहाँ पर नहीं होगा बट आगे आएगा। अरे समझ पा रहे हो ना? क्लास 12th में आएगा, कंबाइंड जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होंगे ठीक है ना, उसमें इसका यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी क्या हो गया आपका? कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे आ जाएगा, अभी लोड ना लो। ठीक है, क्या आ गया समझे बच्चों? तीनों क्या हो गए आपके? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब देखो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अब इसकी डेफिनेशन घर पर लिखना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहला क्या लिखोगे बच्चों? फर्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखोगे बताओ? लिखना नहीं इधर, अच्छा लिख लो। Sir, well, depends on path taken. हाँ? Sir, depends on path taken. हाँ, देखो इसमें बच्चों initial final position पर तो depend करेगा, भी path पर भी depend करेगा। लिख लो non-conservative force definition पहला। Work done by non-conservative force depends on initial and final position as well as path. Work done by non-conservative force depends on initial and final position as well as path. रास्ते पर भी depend कर रहा है बच्चों, किस रास्ते से जा रहे हो। ठीक है, अरे एग्जाम समझ में आ गया? Yes. दूसरा, इसमें दूसरे में क्या लिखोगे बच्चों? Work done in closed loop 0 होगा क्या? No sir. नहीं, लिखो
work done by non-conservative force in closed loop is non-zero. Work done by non-conservative force in closed loop is non-zero. क्या लिख लिया? Yes. ठीक. एग्जाम्पल लिखो बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है. Yes, क्या बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जाम्पल हो गया बच्चों. देखो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. मान लो बच्चों कोई बॉडी है, अभी इसको बच्चों इधर डिस्प्लेस कर रहे थे अंदर ना, और फ्रिक्शन का ऑप्शन क्या है? म्यू है, मास एम है. मान लो तुमने एस डिस्प्लेस किया, राइट? ठीक है, यहां से यहां ले गए, ए पोजीशन से बी पोजीशन ले गए. तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अभी लेफ्ट लग रहा हो, नहीं लग रहा होगा? Yes, sir. कितना लग रहा होगा बताओ? मूव कर रहा है अभी, तो कितना लग रहा होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एन, म्यू के एन, या ऐसा म्यू म्यू कह दो, म्यू के और म्यू एस बराबर है. म्यू एम जी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? अरे एन एम जी के बराबर होगा. अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. अरे बोल दो. तो सोचो अभी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट राइट, फोर्स लेफ्ट, तो वर्णन कितना आएगा बच्चों? अगर मान लो अभी बच्चों बी से ए जा रहे हैं, अभी बी से ए जा रहे हो, अभी बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट. राइट लगेगा फ्रिक्शन. राइट लगा. कितना लगेगा? अभी भी म्यू एन जी लगेगा. अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों? Yes. Yes. कितना आएगा बच्चों? ये भी कितना आएगा? अरे बताओ, अभी भी वर्क डन और कितना आएगा बच्चों? साइन नेगेटिव ही आएगा ना? माइनस म्यू एम जी एस. माइनस म्यू एम जी एस अभी भी आएगा, नहीं आएगा सेम? अरे भाई अभी भी बच्चों आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में. अरे है ना? Yes. अभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा बच्चों. दोनों Yes. को जोड़ दो, नेट वर्क डन इन. भाई क्लोज लूप बन गई, नहीं बन गई बच्चों? अरे ऐसा भी समझ सकते हो बच्चों, क्या वर्क डन आपका सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि सिर्फ पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है? बच्चों इनिशियल फाइनल पोजीशन तो सेम है, ज्यादा दूर ले जाओगे नहीं ले जाओगे? तो अगर ज्यादा दूर ले जाओगे तो वर्डन ज्यादा ही नहीं ज्यादा है? Yes. ना बच्चों, इसमें रास्ते पर डिपेंड करेगा. ठीक है, इस केस में आपका रास्ते पर डिपेंड करेगा. तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल हुआ. अच्छा ये बताओ नॉन कंजर्वेटिव क्यों हुआ? ये सोचो जब फ्रिक्शन लगता है बच्चों, ठीक है, स्लाइडिंग होती है, एनर्जी डिसिपेट होती कि नहीं होती? अरे होती है ना एनर्जी डिसिपेट, बोलो. Yes. एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? Yes, sir. हुआ. जबकि कंजर्वेटिव फोर्स फॉर एग्जांपल एमजी लगा आपका, तो बच्चों उसमें क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट होती है, अभी बताऊंगा आपको. तो वो कंजर्व करता है फोर्स. ये क्या करता है? एनर्जी को कंजर्व नहीं करता, एनर्जी को डिसिपेट करता है. इसीलिए क्या कहते हैं उसको? नॉन कंजर्वेटिव. अरे ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई आपको? अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी मैं ठीक है ना पोटेंशियल एनर्जी बताने जा रहा हूँ. अरे भाई ये एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों? डिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, लॉस करा रहा है. इसीलिए क्या हुआ बच्चों? ये नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है. अरे भाई चमका कुछ? यस यस. ओके हेडिंग डाल लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी.
डेफिनेशन लिखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, आप पढ़े होंगे बचपन से। अरे पढ़े होगे ना पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बच्चों, क्या होता है लिखो, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अरे ठीक है बच्चों, yes. देखो आपने पढ़ी होगी बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अरे पढ़िए ना, अरे बोल दो। मान लो कोई बॉडी बच्चों एच हाइट पर रखी है, इसकी पोजीशन बता रहा नहीं बता रहा बच्चों, मान लो एम मास की बॉडी है, अरे बता रहा है ना पोजीशन। Yes. तो बच्चों ये क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो, एमजीएच लिखते हो नहीं लिखते, तो इसकी पोजीशन कारण एनर्जी हुई नहीं हुई, हाई पोजीशन पर ले जाओगे तो और बढ़ेगी, लो पोजीशन पर ले जाओगे घट जाएगी, अरे हुई ना बच्चों। Yes, sir. ठीक है, अब सोचो इसमें बच्चों एनर्जी है क्यों, बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी है क्यों, इसे मान लो एनर्जी है, इसका मैं कह रहा हूं नहीं है, तो मुझे कैसे ठीक है ना कन्विंस करोगे सर इसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, ये तो कह रहे हो तुम, अगर मुझे कन्विंस करना है मैं कह रहा हूं नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, तुमको प्रूव करना सर इसमें एनर्जी तो है, तो कैसे प्रूफ करोगे। अच्छा सोचो, मान लो ऐसे, मान लो आपके बिल्डिंग के बगल ठीक है ना, बिल्डिंग की छत पर तुम खड़े हो गए ठीक है ना, तुमने कहा सर आप नीचे खड़े हो जाओ, मैं नीचे खड़े हो गया, तुम एक भारी ब्लॉक को ठीक है बिल्डिंग की छत पर ले गए और गिरा दिया मेरे ऊपर, तो मुझे बिलीव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, अरे भाई तुमने कुछ किया क्या, नहीं तुम कहोगे सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने फेंका थोड़ी, मैंने तो सिर्फ इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दे दिया, ये गिरा, जब नीचे आया तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कारण ही आपको लगी ना चोट, अरे लगी नहीं लगी बच्चों। ठीक है, ऐसी ही बच्चों एनर्जी होती है, अगर मान लो मैं कहूँ कि स्प्रिंग में भी एनर्जी होती है, अरे होती कि नहीं होती, तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और छोड़ दिया तो मुझे लगेगी, अरे लगेगी ना बच्चों, तो बिलीव हो जाएगा मुझे, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। Yes. हाँ, ये क्या हो गया, तो बताओ इसमें भी बच्चों तुमने कुछ काम थोड़ी किया, तुम्हें जस्ट छोड़ दिया, स्प्रिंग कंप्रेस थी, तो इसमें एनर्जी स्टोर थी कि नहीं थी बच्चों, अरे बताओ तो। Yes. Yes, बट इसमें पोजीशन था कि चेंज इन शेप और साइज था, पोजीशन, अरे पोजीशन चेंज इन शेप और साइज था इसमें, अरे ठीक है ना, अरे कह सकते हो पोजीशन मतलब, बट यहाँ पर क्या आ रहा था बच्चों, जनरल टर्म क्या था आपका, चेंज इन शेप और साइज था, यहाँ पर आपका बॉडी कंप्रेस हो रही है इसके कारण एनर्जी थी, एक्सपेंड होती फिर से एनर्जी होती, समझ पा रहे हो ना, तो इसीलिए दो उसके पार्ट्स लिखवाए गए, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप एंड साइज इट्स कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसको बोलते हो, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, क्या बोलते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फोर्स कैसा है, इलास्टिक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी।
ये फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशनल है। अरे ठीक है, अरे आ गई बात समझ में बच्चों। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? अरे डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। ओके, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? हर चीज की जरूरत पड़ती है ना। देखो अच्छा बताओ, मान लो ये वानिका, मान लो यहां से इधर ले गई होगी, मान लो ठीक है यहाँ पर मास था, इसको ले गई होगी छत के, ठीक है ना, छत पर ले गई होगी, तो अपने आप तो थोड़ी बच्चों मास उठकर ले जाए, इधर चला जाएगा, कोई ना कोई ले गया होगा, ले गया होगा। yes. ठीक है, ले गया होगा। सोचो वानिका ले जा रही ऊपर मान लो, तो बच्चों mg कितना किधर लग रहा होगा आपका? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लग रहा होगा और हाइट ऊपर है, तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों बताओ? माइनस mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा आपका? mgh। माइनस mgh। हाँ, अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है ना। यस सर। अब इसी का तुमने निगेटिव ले लो, मान लो इसी का तुम निगेटिव ले लो, तो बच्चों क्या आ गई? वर्क डन बाय एमजी हुआ ना माइनस एमजीएच। अरे हुआ, अरे वो आया ना बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया बच्चों बताओ? अगर वर्क डन बाय जो एमजी हुआ बच्चों उसके निगेटिव को आप देखो तो कितना आ जाएगा ये? अरे MGH आ गई, ये बढ़ रही नहीं बढ़ रही पोटेंशियल एनर्जी? अरे बढ़ रही है ना। yes. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर का निगेटिव क्या हुआ बच्चों आपका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हुई। yes, sir. ऐसा सोच लो, मतलब सोचो ये अगर ऊपर जा रहा है बच्चों तो MG किधर वर्क कर रहा होगा? नीचे वर्क कर रहा नहीं कर रहा होगा? नीचे लग रहा होगा ना। अरे जा रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है। yes, तो बच्चों ऊपर जा रहा है तो mg वर्क डन कितना कर रहा है? निगेटिव कर रहा नहीं कर रहा? यस सर। जब mg निगेटिव वर्क डन करेगा तो u फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही नहीं बढ़ रही। यस सर। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। फिर से सुन लो, जब कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों? अरे हो रहा है। yes, sir. तो इसीलिए तो यहाँ पर माइनस साइन लगाया कि नहीं लगाया? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो गया बच्चों? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं हुआ, कैसा कह सकते हैं? अच्छा सोचो, अगर मान लो वानिका ने यहां से छोड़ दिया बच्चों पत्थर, तो यहां से एम जी नीचे लग रहा नहीं लग रहा? yes, sir. अभी नीचे आ रहा है बच्चों, तो वर्क डन बाय एम जी कितना होगा? mgh प्लस में होगा नहीं होगा बच्चों? yes. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है बताओ? घट रही है। घट रही है, तो जब ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव रखोगे तो क्या आएगा? U फाइनल माइनस यू इनिशियल, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे कम हो रही नहीं हो रही बच्चों? oh, yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस, ठीक है ना, यही कहेंगे। अब तुमको एक राज की बात बताता हूँ, वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही किस लिए किया गया बताया ना, यूज किसके लिए हुआ? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना? yes. और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है? क्या रास्ते पर डिपेंड करता है? no, no, sir. नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। yes, तो अगर मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है बच्चों तो मैं डायरेक्ट वर्क डन निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ ना। yes. ठीक है, तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ वर्क डन का कैलकुलेशन अगर इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने क्या कर दिया उसके लिए? मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी। क्या डिफाइन कर दी? पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई तुम वर्क डन को कैलकुलेट करना ही नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स वाला। अरे क्या करना है बच्चों? वर्क डन को कैलकुलेट करना ही नहीं है।
वो क्या आ जाएगा? उसके लिए तुमने क्या किया बच्चों, क्या डिफाइन कर दी? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी। अरे भाई क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी? वी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्कडन होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो वर्कडन कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, नहीं है बच्चों? यस सर। तो उसके लिए बार बार वर्कडन क्यों कैलकुलेट करोगे? अरे समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। वर्कडन कैलकुलेट क्यों करोगे? एक एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लाओगे? एक एक्स्ट्रा वर्कडन क्यों करोगे? तुमने कह दिया कि एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो मेरे कंजर्वेटिव जो एमजी हुआ है इसके वर्कडन को नेगलेक्ट कर दूंगा। अभी आपको बताऊंगा आगे, अभी तुमको लग रहा होगा थोड़ा वेक लग रहा होगा, अभी आगे बताऊंगा भाई एमजी कर्व वर्कडन को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। उसको क्या फॉर्म मान लेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी है। अरे क्या मान लेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वास्तव में कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, किसके लिए डिफाइन होता है सर? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। अरे तुमने अभी तक एमजीएच पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है ना? यस सर। फ्रिक्शन के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है क्या? नो सर। नहीं। अरे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही बच्चों किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है, ठीक है? यस सर। अरे भाई सुन लो, बता रहा हूं तुमको, मान लो उल्टा समझो इसको, मान लो वानिका ने फेंका यहां से यहां तक, तुमको वर्क डन कैलकुलेट करना भाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? माइनस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, नहीं होगा? बोलो। अरे होगा ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर आगे कितनी हो गई? जीरो। इनिशियल कितनी थी? एमजीएच। एमजीएच माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है, नहीं है? यस सर। ठीक है, तो वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है, इसीलिए डिफाइन नहीं की गई। अरे इसीलिए क्या किया गया बच्चों? इसीलिए इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो सोचो कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा और कौन सा, सॉरी ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा और कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी थी कि नहीं थी? अभी आपको बताया। अरे थी ना, क्योंकि इलास्टिक फोर्स कौन सा है आपका? स्प्रिंग फोर्स कैसा है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके लिए भी क्या होगी आपकी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कौन सा फोर्स था बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके लिए भी क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अरे भाई आ रहा है तिकड़म समझे तुमको? जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या डिफाइन कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी, जिससे कैलकुलेशन क्या हो आपका? बहुत क्या हो बच्चों? आसान हो जाएगा। हाँ इजी हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए बच्चों। अरे ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भी क्वेश्चंस कराऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। अरे ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, और ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चों, नोट में एक पॉइंट लिखो। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ओनली। इंटरनल को अंडरलाइन कर देना, मैं बताऊंगा। कंजर्वेटिव, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम को भी अंडरलाइन कर लेना बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is defined for conservative internal force only. Potential energy of a system is defined for conservative internal force only. क्या लिख लिया? Yes. ठीक है, okay. लिखो फिर, एक line छोड़ करके लिखो बच्चों। ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई,
कंजर्वेटिव कौन वाले कर रहे हैं भाई? किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बच्चों. इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. अरे भाई लिख लिया? यस. ठीक है ओके. पहला बच्चों तो देखो जो भी आपके कंजर्वेटिव फोर्स है उसे करेस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन करूंगा बच्चों? क्या डिफाइन करूंगा बताओ? पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी. तो पहला कौन सा पोटेंशियल एनर्जी लिखे बच्चों बताओ? अरे पहली कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है बच्चों? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. देखो बच्चों इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है वो आपको बताऊंगा अभी. मान लो बच्चों पोजीशन वन है और ये क्या पोजीशन आपकी टू. ओके इसका मास एम मान लो और ये हाइट क्या है एच. अब आपको क्या निकालना है बच्चों? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये निकालना है बच्चों. तो क्या होगा बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एमजी. अरे यही होगा ना बच्चों? होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. क्या होगा ये? इसको इनिशियल फाइनल कह दो. क्या होगा बच्चों? वर्क डन बाय एमजी कितना आएगा? MgH. ठीक है माइनस MgH आएगा देवी जी. सर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाए. हाँ मैं जो पूछ रहा था उसको बोलो ना. तो क्या आ जाएगा बच्चों ये? अरे MgH आएगा. नहीं आ गया बच्चों? यस सर. अब ढंग से सुनना इसको. ये बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया. तुम तो ये कह रहे थे ना कि फाइनल पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी MgH होगी. अरे ये क्या आया बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया. अच्छा खुद सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. तुम कह रहे हो सर ग्राउंड पर तो पोटेंशियल एनर्जी में से जीरो होता है सब, ठीक है ना? हमको तो यही बताया गया था. अच्छा सोच लो मैं एक गड्ढा खोद लूँ बच्चों एच हाइट का और गड्ढे में बैठ जाऊं. अभी यहां से तुम कोई ब्लॉक गिराओगे मेरे ऊपर तो मुझे लगेगी चोट की नहीं लगेगी? यस सर. अरे लगेगी ना बच्चों. तो रिफरेंस पर डिपेंड करता है, समझ पा रहे हो ना? अगर मैं यू इनिशियल जीरो मान लू, अगर क्या मान लो यू इनिशियल जीरो अगर मैं ये मान लू तो क्या आ जाएगा बच्चों? यू फाइनल. अब आ जाएगा ना MgH. अरे अरे बात समझ में बच्चों. एक को मैं रिफरेंस मानता हूं, तुम ग्राउंड को क्या मान रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तब तुम लिख पा रहे हो फाइनल पर. तुम वास्तव में चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हो. अरे आ रही बात समझ में? Yes, sir. एक को तुमको जीरो मानना होगा, ठीक है? तो तुम तब जाकर एब्सोल्यूट तुम निकाल सकते हो, अदरवाइज आप चेंज ही कैलकुलेट करते हो. हो गई बात समझ में? आ गई? ठीक है. Yes, और यहाँ पर देखो मैं जो सिस्टम वर्ड यूज किया था और इंटरनल वर्ड यूज किया था. अरे यूज किया था नहीं यूज किया था? Yes, sir. सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या सिस्टम में अकेला कोई बॉडी होता है? No, sir. सिस्टम में केला फट ही होता है. हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा. MgH लिखिए ना बच्चों. मान लो M तो मास हो गया और H तो क्या हो गया? हाइट हो गया. G कहां से आया है? G कौन दिया है? अरे सर नीचे तो फोर्स लग रही थी Mg वाली. ये G अर्थ ने दिया नहीं दिया? यस सर. यस सर. ये जी अर्थ ने दिया है तो. और दूसरा बॉडी क्या था बच्चे? तुम्हारा मास एम था. तो ये वास्तव में मास एम और अर्थ जो सिस्टम बना रही है ना उसका पोटेंशियल एनर्जी है. तो इसीलिए वर्ड क्या यूज किया था बच्चों मैंने?
सिस्टम सिस्टम तो जो सही आपका जो ठीक है टर्मिनोलॉजी हुई वो क्या हो गई मास एम और अर्थ के सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी बट जनरली आप बोलते क्या हो बोलचाल की भाषा में कि मास एम की पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अरे यार ये बात समझ में इंटरनल वर्ड क्यों यूज किया था क्योंकि बच्चों देखो ये मान लो अर्थ मान लो ऐसा और ये तुम ब्लॉक मान लो तो भाई जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स एक नहीं है yes, sir. इसीलिए वर्ड का यूज किया गया था इंटरनल यूज किया गया ठीक है ना हर एक वर्ड का मीनिंग है बहुत डिटेल में नहीं जाते अरे आगे बात समझ में इसको लिख लो तो इसमें एक लाइन लिखवाऊंगा बच्चों इसको लिख लो तो एक लाइन लिखवाऊंगा मैं उसके बाद ये लिख लेना ये लिखने के बाद क्या लिख लिया yes, sir. ठीक है लिख लिया ना ओके लिखो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नोट में लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m gravitational potential energy of mass m is actually potential energy of is potential actually potential energy of earth mass system is potential energy of ek baar fir se repeat kar dijiye gravitational potential energy of mass m is actually potential energy of अर्थ मास एम सिस्टम ठीक है अरे ठीक है बच्चों yes, sir. हाँ मतलब जनरली हम बोल देते हैं मास एम की बट वास्तव में दो बॉडीज इन्वॉल्व रहती है ठीक है ओके ये हो गया बच्चों दूसरा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होगा बच्चों स्प्रिंग के लिए हाँ स्प्रिंग के लिए ध्यान दो मैंने लिखवाया था ना बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है बच्चों माइनस हाफ के यही लिखवाया था नहीं लिखवाया था yes. तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या होगा बच्चों क्या नेगेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा अरे यही तो होगा yes, sir. ठीक है तो क्या हो जाएगा ये हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में ही लिखवाया था बच्चों माइनस के फॉर्म में ठीक है अरे आ गई बात समझ में तो ये क्या बता रहा है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अरे क्या बता रहा है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बट अगर सोचो एक्स इनिशियल जीरो है बच्चों तो बताओ और एक्स फाइनल को एक्स मान लो क्या मान लो एक्स फाइनल को एक्स तो यू फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर अरे क्या आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर तो इसलिए कहते हैं बच्चों अगर एक्सटेंशन एक्स है या कंप्रेशन एक्स है तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है ना अरे कितनी एनर्जी स्टोर होगी बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर अरे आगे बात समझ में
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, उसका यहाँ पर एग्जांपल नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब ये होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे आपको। होमवर्क में लिखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मैं बुक से भी देखूंगा, अगर क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो कर, ठीक है, वो दे दूंगा। यूनिफॉर्म रॉड बच्चों है, यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे बच्चों वर्टिकली खड़ी की है, मास एम और लेंथ एल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना है बच्चों, एक रेफरेंस लेना हो तक नहीं होता, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेना, जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड कैलकुलेट करना है, पीई रॉड आपको कैलकुलेट करना है। दूसरे केस में देखो बच्चों, वेरिएबल मास है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर आपका जो मास डेंसिटी है, ध्यान देना, लीनियर मास डेंसिटी, क्या है लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब यूनिट लेंथ का मास कितना है बच्चों, के एक्स है, ये कह रहा है। अरे यूनिट लेंथ का मास क्या है बच्चों, के एक्स है, ओके। इसका भी मास क्या है, एम, लेंथ क्या है एल, इसकी बच्चों आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड दोनों केस में, ठीक है। अरे क्लियर हो गया, सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो किसका गिवन है, ग्राउंड पर जीरो माना दोनों केस, ठीक है। अरे बता सकते हैं रेफरेंस आपको, नहीं तो चेंज निकाल सकते हो ना तुम सर, अरे बता सकते हैं आपको भाई, अगर रेफरेंस नहीं मानोगे तो सिर्फ चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या मानना है बच्चों, देखो क्वेश्चन में बायो बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, ठीक है, आपकी आदत हो गई ग्राउंड पर जीरो मानने की, ठीक है। मैंने बताया ना, बट ग्राउंड पर जरूरी नहीं है जीरो हो, मैं गड्ढा खोते खड़ा हो जाऊं, मैं गड्ढे पर यहाँ पर जीरो मान लो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो मास एम है, हाइट एच है, कितनी हो जाएगी एम जी एच, तो ये डिफरेंस का खेल है बच्चों। अरे ठीक है, ऐसा खेल है डिफरेंस का, दोनों केस में क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड पता करना है। सर ब्रैकेट में क्या गिवन है, वो क्या सर ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट में यूनिफॉर्म रॉड, मतलब इसके ऊपर मास एम लेंथ एल, इसका भी मास एम लेंथ एल, ठीक है, ओके सर। किसी को और कुछ दिक्कत, ओके बताओ बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे बताओ। एक्सरसाइज टू में थे, एक्सरसाइज टू का डाउट है, सर मैं पूछ लो, फोर्थ एंड सेवन डाउट है, फोर्थ है ना ये वाला ना ब्लॉक है, ये वाला वेज वाला, यही है बच्चों, ये ठीक, ये बच्चों आपका एम है, ये क्या है स्मॉल एम है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इन ग्राउंड फ्रेम रूट 3 सेकंड में कितना है, ये बच्चों आपका 1 kg का है, राइट,
इसकी एफबीडी बना लो, बिना एफबीडी के आएगा नहीं। एफबीडी किसी ने बनाई थी? यस सर। बताओ कैसे बनाई थी, नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर नॉर्मल ऊपर लगा था और नीचे पहली बात बताओ इसमें कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करोगी आप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की प्लेन के अलोंग प्लेन के परपेंडिकुलर? सर मैंने वैसे नहीं किया। एक तरीका हुआ करने का, और कैसे करोगी? सर मैंने एफबीडी में ऊपर नॉर्मल लगाया था और सर इक्विलिब्रियम में तो इसलिए नीचे 10 न्यूटन का फोर्स होगा तो नॉर्मल थी। इक्विलिब्रियम में नहीं है, यही तो कह रहा हूं, ये तो मिस कर गई तुम। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ना यार, तो ब्लॉक भी उसके साथ जा रहा है नहीं जा रहा? सर नहीं, ऊपर नॉर्मल नॉर्मल और नीचे एमजी फोर्स इक्वल होगा ना? नहीं होगा, ये तो मिस कर गई तुम। नॉर्मल एमजी कॉस थीटा के बराबर होता है जब ये ब्लॉक रुका हुआ होता है। सर इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, मैं जान रहा था ना। और इसमें मोशन किधर है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक नहीं है? अरे है ना हॉरिजॉन्टल? यस सर। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ब्लॉक एम को देखो तो वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है नहीं जा रहा? अरे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, ये स्लिप नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल जा रहा है बच्चों अभी। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अरे चमकी बात, मैंने बताया था मोशन के पैरेलल और मोशन के परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। यस सर। एमजी बच्चों वर्टिकल है, एमजी को क्या डिवाइड करेंगे क्या? अरे बताओ एमजी को क्या डिवाइड करेंगे क्या कंपोनेंट्स में? अरे बोलो, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। नॉर्मल को डिवाइड करेंगे बच्चों। ये कितना बच्चों थीटा कितना दे रखा है आपको? सर कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, देखते हैं शायद उसके बिना मिल जाए। देखो मान लो ये थीटा बच्चों, ये किधर कितना हो जाएगा आपका, ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, इधर बच्चों एन साइन थीटा आएगा और इधर क्या आएगा आपका एन कॉस थीटा, ठीक है? और इधर क्या आएगा बच्चों, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट ले लो। फ्रिक्शन का बच्चे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा। फ्रिक्शन किधर आएगा बच्चों बताओ? अरे ऊपर आएगा नीचे आएगा? यहाँ पर देखो एक मिनट। अच्छा इसमें स्लिप नहीं कर रहा है, वर्क डन है भाई। अच्छा ठीक है ठीक, ओके ओके बच्चों। अच्छा उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो फ्रिक्शन जो है आपका, मान लो समथिंग है फ्रिक्शन का बच्चों, इधर क्या आएगा आपका एफ कॉस थीटा आएगा और ऊपर क्या आएगा आपका एफ साइन थीटा आएगा। अरे भाई ये थीटा होगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, इधर कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा आएगा। जनरल मुझे नॉर्मल फोर्स के कारण वर्डन पूछा गया है, ठीक है? और यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, n cos थीटा, मुझे क्या निकालना है आपका n, कौन सा वर्क डन कर रहा है बच्चों? सिर्फ n sin थीटा वाला कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है, नहीं कर रहा आपका? Yes, sir. n sin थीटा वाला कंपोनेंट ही वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, n sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना s। और s कैसे निकालोगे बताओ? कितना आ जाएगा बच्चों? 15। ये 15 मीटर आ जाएगा। अच्छा फ्रिक्शन लेस है यार इसमें, फ्रिक्शन है ही नहीं, हर सरफेस आर फ्रिक्शन लेस। मैं सोच रहा था तू कुछ बताया करो ना यार, मुझे लगा फ्रिक्शन है। अरे फ्रिक्शन है ही नहीं, अरे देवताओं बताओ तो, नहीं है ना फ्रिक्शन? नो सर।
ठीक है, तो n sin थीटा क्या होगा आपका, और सॉरी n sin थीटा into s, तो ये क्या होगा बच्चों आपका n sin थीटा into s, n sin थीटा किसके बराबर होगा आपका, अच्छा 15 है देखो ना, n sin थीटा into s में कितना आ गया बच्चों 15। अब बताओ n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, और n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg, mg को किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, mg को बैलेंस कर रहा होगा, ओके m क्या है 1, n cos थीटा किसके बराबर होगा बच्चों 10 के, ओके और यहां पर n sin थीटा भी आपको निकालना है, ऑल सर्विस और वेज इनिशियली एड्रेस, नाउ वेज इज गिवन एक्सप्रेशन डस नॉट स्लिप, ओके ओके ठीक। देखो n cos थीटा किसके बराबर है बच्चों आपका 10 के बराबर है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन। अच्छा मैं इसकी फ्रेम से देखूं बच्चों, एक मिनट सोचो, मान लो इस पर बैठ जाऊं मैं, तो इस पर m इधर ले नहीं लेगा, अभी स्टेशनरी है ना इसके रिलेटिव, अरे बोल दो, अरे नॉर्मल के मैंने कंपोनेंट किए ना बच्चों, बताओ यस सर, यार n cos थीटा उधर क्यों लगेगा, बेवकूफ आदमी हूं, n sin थीटा किसके बराबर है बताओ सर, या अरे m a के बराबर है कि नहीं है यार, मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 10 न्यूटन, n कितना आ गया बच्चों, n sin थीटा आपका 10 into 15 कितना हो गया आपका 150 जूल, ठीक है। अरे भाई n sin थीटा किसके बराबर है बच्चों, m a के बराबर है ना, एक्सेलरेट कर नहीं कर रहा आपका, n sin थीटा आपका 10 न्यूटन हो गया, और n cos थीटा आपको निकालना ही नहीं था, ये इंफॉर्मेशन जरूरत ही नहीं थी, n sin थीटा किसके बराबर है m a, अरे भाई n sin थीटा ही बच्चों वर्क डन कर रहा है ना, बताओ तो यस सर, ठीक है ओके, ये इसके बराबर आ गया, किसी को दिक्कत इसमें, ठीक है, और कौन सा था सर, अरे 4 के अलावा सर 7 नहीं हुआ, 7 यस सर 7, देखो मास क्या बच्चों आपका 0.5 केजी, और क्या है आपका ये ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इक्वल टू क्या है ax टू द पावर 3/2, ठीक है, और a क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a को ऐसा लिख दो 5x टू द पावर 3/2। देखो बच्चों वर्क डन बाय नेट फोर्स, भाई एफ नेट क्या होता है बच्चों बताओ, एम ए होता कि नहीं होता, यस सर, तो तुमको क्या निकालना है बच्चों, वेरिएबल फोर्स तक नहीं है ये, तो निकालना जीरो से टू तक, यस एफ डी एक्स जीरो से टू ये निकाल लेना, अब एफ ने निकाल लो बच्चों, अब बताओ मास कितना बच्चों दे रखा है 0.5 केजी, मान लो अभी एम ही रखो इसको, ए क्या होता है बच्चों, ए के दो फॉर्मूले थे याद है तुम्हारे पास, एक तो डीवी बाई डीटी था, दूसरा क्या था डीवी बाई डीएस, वी डीवी बाई डीएस, डीवी बाई डीएस क्या था, वी डीवी बाई डीएस, वी कितना है बच्चों 5x टू द पावर 3/2, डीवी बाई डीएक्स करो तो देखो क्या जाएगा बच्चों 3/5 इंटू क्या जाएगा 3/2, और x टू द पावर क्या आ जाएगा 3/2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 × 3 कितना आ जाएगा 75 by 2 कितना आ जाएगा आपका 75 by 2, अरे भाई ये मैंने क्या लिखा है बच्चों v, समझो dv by dx में क्या होगा बच्चों बताओ, अरे dv by dx में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो पावर मैंने आगे लिखा 5 तो है ना पहले से,
और पावर क्या हो जाएगी एक्स की, एक घट जाएगी, यही तो आएगा ना, ये डीवी बाई डी एक्स है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25, अरे 5 5 कितना हुआ 25, 3 जा 75, 75 बाई 2, 75 बाई 2, x टू द पावर बच्चों 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितना होगा 4 बाई 2, 4 बाई 2 मतलब 2 x स्क्वायर। तो बच्चों f नेट क्या होगा, ma, अरे होगा नहीं होगा, एक yes. मास, f नेट क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0.5 75 by 2 into x square into dx. अब तो हो जाएगा, ठीक है। सोचा करो तुमको चाहिए क्या बच्चों, अरे तुमको चाहिए क्या था भाई, वर्क डन बाय नेट फोर्स पता करना था, तो एफ नेट क्या होगा डीवी, ठीक है ना, एम ए और ए वी डीवी बाय डीएक्स। अरे ठीक है, यस सर, यस सर। और सर पेज नंबर 56 पे था फिर, और उसके पहले किसी को डाउट तो पूछ लो, पेज नंबर सर पेज नंबर 56 कौन सा क्वेश्चन सर 13 और 14 यस सर। देखो बच्चों, अरे ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन एक नहीं है, बताओ, अरे वर्क डन क्या होगा एफ इंटू क्या होगा बच्चों डीएक्स, ध्यान देना। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर वर्क डन, अभी देखो अभी भी पढ़ा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो निगेटिव आया नहीं आएगा, निगेटिव आता ना स्ट्रेच करते तो, अरे आता नहीं आता सर, ठीक है। बट यहाँ पर देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नहीं पूछा गया है, वर्क डन भाई कोई स्ट्रेच कर रहा होगा ना बच्चों, कोई पर्सन स्ट्रेच कर रहा होगा, कोई एंटिटी स्ट्रेच कर रही होगी, उससे कारण वर्क डन पूछा है। अब वो तो खींच रहा होगा ना बच्चों, वो तो आगे खींच रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा होगा, आगे उधर ही हो रहा होगा, ठीक है ना, इससे कारण वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अरे ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही लिख दो यार, बहुत ही आसान है ना ये तो, एफ और डी एक्स सेम डायरेक्शन में, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट कर लोगे ना यार जीरो से, यस सर मुझे क्या है दिक्कत है इसमें, ax स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर बाय 2 प्लस dx क्यूब बाय 3 जीरो से l रख देना तो क्या आ जाएगा, ये al स्क्वायर बाय 2 प्लस bl क्यूब बाय, बस आ गया, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हो गया, ये तो बहुत ही आसान था, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये समझते इसको तो हो जाता। देखो बच्चों, कह रहा पर्सन आपका वेट लिफ्टिंग करंट लूज, ठीक है ना, जाते हैं ना बच्चों जिम लोग तो कुछ उठाते हैं ना डंबल वगैरह, अब यहां पर वही कह रहा है कि आपका मान लो एक आदमी है बच्चों लूज वेट लूज करने का प्रयास कर रहा है, 10 केजी का मान लो डंबल उठाता है 1 मीटर 1000 times, ठीक है। देखो बच्चों, उठाता है रखता है, समझ पा रहे हो क्या करता है बच्चों, उठाता है और रखता है, जब रखता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता नहीं होता, अरे भाई बोल दो, मान लो उठाया डंबल और जब लोअर करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगा, नहीं होगा, होगा ना लॉस, अब वही कह रहा है जो लॉस हो रहा है ना वही किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वही आपका डिसिपेट हो जा रहा है, ठीक है ना, अरे भाई यस, ठीक है ना। अब कह रहा है हाउ मच फैट विल ही यूज अप, अब ये कह रहा है तभी बच्चों आपका, ठीक है, हमको वर्क डन कंसिडर करना जब वो उठा रहा है उसको, तो हर एक टाइम जब उठा रहा होगा तो एमजीएच वर्क कर रहा नहीं कर रहा होगा बच्चों, अरे खुद सोच लो,
देखो बच्चों स्लोली स्लोली उठा रहा होगा तो कितना फोर्स लगा रहा होगा वो, mg के जस्ट बराबर लगा रहा हो नहीं लगा रहा होगा उठाने में? Yes. mg के जस्ट बराबर लगा रहा, थोड़ा सा ज्यादा लगा देगा उठ जाएगा। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना ऊपर, तो कितना वर्क कर रहा होगा बच्चों? अरे mgh, ठीक है mgh वर्क कर रहा होगा। और कितना बार बच्चों उठा रहा है? 1000 बार। तो नेट वर्क डन कितना हुआ उसका? अरे 1000 times कर दिया। अब देखो ये बच्चों एनर्जी आ रही होगी कहीं से, नहीं आ रही होगी, कहां से आ रही होगी? मैंने आपको बताया तो वर्क और एनर्जी रिलेटेड होते हैं बच्चों। ये एनर्जी कहां से आ रही होगी? चर्बी बनी है ना उसके अंदर, वो बर्न होगा, फैट बर्न होगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। यस सर, ठीक है, तभी तो फैट बर्न होगा ना। अब जो कह रहा है ध्यान देना, जो फैट बर्न होगा बच्चों उसका पूरा का पूरा एनर्जी में नहीं बच्चों कन्वर्ट होगा। हम आप एक्सरसाइज करते हैं तुम्हारी बॉडी हीटअप भी हो जाती है ना, सारी की सारी डंबल उठाने में थोड़ी कन्वर्ट होती है, कुछ हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। तो कह रहा है कितना एफिशिएंसी है बच्चों? 20% एफिशिएंसी ही है। मान लो कह रहा है बच्चों देखो कितना सप्लाई करता है, 1 kg सप्लाई करता है 3.8 × 10⁻¹⁷। मान लो mkg कितना सप्लाई करेगा बच्चों? m into this much, अरे करेगा ही करेगा, कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा? अरे करेगा ना इतनी एनर्जी सप्लाई बच्चों? Yes, sir. और सर यहाँ पर मास कितना है बच्चों, कितने केजी का है आपका? 10 kg का है। क्या ये जो सारा का सारा है बच्चों, जो सारा का सारा फैट इतनी एनर्जी देख नहीं देगा? अरे 1 kg पर इतना बच्चों एनर्जी देगा, n किलो पर इतना एनर्जी देगा। क्या सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बताओ कैसा हो रहा है क्या क्वेश्चन के हिसाब से? नहीं हो रहा ना बच्चों? अरे मैंने बताया ना, क्या इसका सारा का सारा इसमें कन्वर्ट होगा? नहीं। कितना कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? जो फैट इतनी एनर्जी दे रहा है, नहीं दे रहा? अरे बोलो, अरे दे रहा है ना। इसका पूरा का पूरा पार्ट yes, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर नहीं होगा, इसका सिर्फ 20% ही कन्वर्ट हो रहा है। किसका 20% करेंगे? अरे किसका 20% करें बच्चों? लेफ्ट वाले का, राइट वाले का? लेफ्ट लेफ्ट वाले का। हाँ, अरे भाई फैट ये इतनी एनर्जी दे रहा है तो फैट की एनर्जी का 20% किसके बराबर है? इसके बराबर है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? कितना हाइट उठा रहा है? एच की वैल्यू क्या है आपका? 1 meter। यहाँ पर रख दोगे आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है ना, मास कितना आपका बर्न हो रहा है, ठीक है, चर्बी कितनी आपकी बर्न हो रही है वो आ जाएगी, ठीक है, कितना फैट बर्न हो रहा है। अरे ठीक है भाई, यस ओके, यहाँ से कर लेना। और कौन सा था सर? इतने ही थे सर, यही थे। कौन सा सर? इतना ही था, इतना ही था। और किसी को है डाउट? नो सर। ठीक है बच्चों, तो हाँ सर, क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो सर सर वर्क डन जो होता है वो जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है तो सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज लूप में जीरो क्यों नहीं आता? क्या सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो क्यों नहीं आता नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में? नॉर्मल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, हाँ देखिए जी सुनो, हाँ तो तुम यूनिफॉर्म फोर्स है क्या फ्रिक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं हो रही? सर हो रही है। हो रही है ना, तो तुमको ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, अगर कांस्टेंट होता तो तुम ये लिखते fs cos थीटा, नहीं हो रहा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दो पाथ के लिए तोड़ दो अलग अलग, समझ पा रही हो? यस सर। अगर कांस्टेंट होता, देखो सुन लो बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेज किया है, मान लो f dx cos थीटा, अरे होता नहीं होता, ठीक है, थीटा को मान लो आप, ठीक है, अगर मान लो मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करता हूँ, सुनो मान लो मास m है तो कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों इस पर? mg नीचे लग रहा होगा। मान लो इसको यहां से यहां ले गए और फिर यहां से यहां ले गए, क्या mg कांस्टेंट है कि नहीं है बच्चों, बाहर ले सकते हैं इसको? यस सर।
कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फिर से लेकर आए तो सर जीरो, तो वर्डन कितना आ गया जीरो. उसमें क्या ये हो सकता है क्या, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है देवी जी. अरे अरे बात समझ में, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा. अरे एक तो जाते जाने वाले का, दूसरा आने वाले का. इसमें भी वर्डन निगेटिव आ रहा था माइनस म्यू एमजीएस, यस सर. इसमें भी क्या आ रहा था, वर्डन निगेटिव आ रहा था. अगर तुम ढंग से देखो यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने बताया था इस केस में, ठीक है, चाहे अब देखें, अब इसमें अगर ऊपर ले जाते तो वर्डन क्या आ रहा था आपका, निगेटिव आ रहा था. नीचे ले आ रहे थे क्या आ रहा था, वर्डन पॉजिटिव आ रहा था. नेट वर्डन क्या हो रहा था, जीरो. इसमें क्लोज लूप में वर्डन क्या था आपका, जीरो. इसमें नहीं है क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है. तो इसीलिए आपका ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन क्लोज लूप नॉन जीरो आया. अरे ठीक है भाई, यस सर, ठीक है. और किसी कुछ डाउट नहीं, ठीक है बच्चों. मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, बाकी जिनका इनकम्प्लीट है आपको अभी इम्पोर्टेंट समझ में आया होगी, बिना पीडी के नहीं कर सकते इससे क्वेश्चन. अरे नहीं कर सकते भाई, आ रहा होगा अभी इम्पोर्टेंट समझ में. तो सबसे पहले जिनका इनकम्प्लीट है वो काम कंप्लीट करके लाएंगे. प्रत्युष है क्लास में, हो गया. किनका अंकित का था, क्या नाम है, गणित है, ठीक है. जिनका इनकम्प्लीट है बच्चों काम करके लाना, ठीक है बच्चों, एंड कर रहे हैं. थैंक यू सर.